वही तुम आप देख रहे हैं सांझ न्यूज़ और मैं हूं राबिया यूसुफ। सबसे पहले अब तक की हेडलाइन। शरीफ खानदान के खिलाफ एमन फील्ड रेफरेंस की समाअत, साबिक वजीर आजम ने लंदन फ्लैट्स रेफरेंस से मुतालिक बयान रिकॉर्ड कराया, अपनी अमामी अहदों की तफसीलात पढ़कर सुनाई। कहा रेफरेंस मुशरफ दौर में बनाया गया, जे आई टी की तश्कील पर एतराजात थे। सभी का अजीज शेख की मैयत पाकिस्तान के लिए रवाना, मैयत कल सुबह कराची पहुंचेगी, कल ही तदफीन का इम्कान है। होस्टन में पाकिस्तानी तालबा की नमाजी जनाजा अदा की गई। दुआया तकरीब में अराकीन कांग्रेस पाकिस्तान कौंसल जनरल समेत खवातीन की बड़ी तादाद की शिरकत। क्वेटा के इलाके कलिबरात में सीटीडी और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, घर से बड़ी तादाद में असलाह, गोला बारूद और खुदकुश जैकेट्स बरामद। कार्रवाई कलदन तंजीम के गिरफ्तार दहशतगर्दों की निशानदेही पर की गई, कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। प्लांट का पुर्जा आ गया, फिट भी कर दिया गया लेकिन बिजली ना आई। नॉर्थ कराची में इलाका मकीनों का पानी ना मिलने पर सबर जवाब दे गया, एहतजाजी मुजाहिरा, टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दी। लियारी में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। खबरदार होशियार, कराची पर गर्मी आज भी करेगी वार, पारा 44 सेंटीग्रेड तक जा सकता है, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। समंदरी हवाएं बंद होने से हबस, हीट वेव का खतरा बरकरार, मुल्क के मैदानी इलाके भी गर्मी से दहकने लगे। गर्मी की बदतरीन लहर की वजह से इंटर बोर्ड के 21 से 30 मई तक होने वाले इम्तिहानात मुलतवी, नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इंटर बोर्ड के इलामिया के मुताबिक 24 मई के बाद तमाम पर्चे शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जरदारी हाउस इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी का आला सतही इजलास आज होगा। पार्टी के सीनियर रहनुमा, निगरान हुकूमतों के कयाम, इंतखाबी हिकमत अमली और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर सर जोड़ कर बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून आज तहरीक इंसाफ के 100 दिन के एजेंडे का जवाब देगी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल और अवैस लगारी पंजाब हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। माशरे में इंसाफ होता है, हॉस्पिटल्स को ठीक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ठीक कर रहे हैं। जो पॉजिटिव आप चीज बता रहा हूँ कि याद रखें कि हम पाकिस्तान में कोई चीज भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक पूल है ओवरसीज पाकिस्तानी का जो हर फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं। इस मुल्क के अंदर इदारों को ठीक करेंगे और हम इन्वाइट करेंगे एक्सपर्टीज, UPI ठीक करने के लिए, बिजली के जो हमारे पावर स्टेशन है, इस सारों के लिए आपको एक्सपर्टीज मिल सकती है। हमने कैसे अपने इदारे ठीक कर रहे हैं, ये जो मेरा 100-day प्रोग्राम है, ये मैं इम्प्लीमेंट करूंगा। गवर्नमेंट मेरी चली जाए लेकिन मैं कर दूंगा, तो हो जाएगा। मुल्क की सलामती, खुद मुख्तार नैब, लूटी दौलत वापस लाएंगे, पुलिस को गैर सियासी बनाएंगे। PTI ने इक्तदार मिलने पर 100 रोजा प्लान दे दिया, 1 करोड़ नौकरियां, बेघरों को घर देने का ऐलान। PTI को 2013 में मरकजी हुकूमत मिलती तो मुश्किल पेश आती, आज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कप्तान का कहना है कि इक्तदार में आकर मुश्किल फैसले करेंगे, असल कामयाबी मोटरवे बनाना नहीं कौम बनाना है। पंजाब के अवाम का मयार जिंदगी सबसे बेहतर, सिंध का दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा नंबर, बलोचिस्तान सबसे पीछे, तालीम और सेहत में भी पंजाब आगे, अक्वामे मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की आबी जाहिरियत, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जियां, पाकिस्तान का मामला आलमी बैंक में उठाने का फैसला, किशन गंगा मनसूबे का मुद्दा कल वाशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के सामने रखा जाएगा। सरगोधा में तेज रफ्तारी के बायस अलमनाक हादसा, डंपर ने मोटरसाइकिल रिक्शे को उड़ा कर रख दिया, हादसे में 8 अफराद जहां बहक, 2 जख्मी, मरने वालों में एक खातून भी शामिल है। मकबूजा वादी में मीर वाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और ख्वाजा अब्दुल गनी लोन की बरसी पर मुकम्मल हड़ताल, ईदगाह तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा,
कठपुतली इंतजामिया ने श्रीनगर में कर्फ्यू जैसी पाबंदियां लगा दी। पाकिस्तानी नौजवान ने कमाल कर दिखाया, एक मिनट में नन चक्कू से 118 अखरोट तोड़कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। मुशतबा के कारनामे की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी तस्दीक कर दी। आपने जानी अब तक की हेडलाइंस। मजीद तफसीलात और खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें www.sanjhnews.com।